नायरा और कार्तिक की लव लाइफ पर लगने वाला है फुल स्टॉप, क्योंकि शो में होने वाला है कायरा की जोड़ी का दी एंड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे नंबर वन शो यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीप, जिसके बाद नायरा और कार्तिक के बच्चे यानी कि कायरा की लव लाइफ के इर्द गिर्द स्टोरी को घुमाया जाएगा और शो से होने वाली है एग्जिट नायरा और कार्तिक यानी कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की। वेल, आपको बताना चाहेंगे कि 4 साल हो चुके हैं कायरा के, जहां ये दोनों ही एक दूसरे को ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अब शो के प्रोड्यूसर यानी कि राजन शाही ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीप टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो में लेके आने वाले हैं। अगले साल यानी कि 2020 के फरवरी के मौके पर आपको देखने मिलेगा शो के अंदर लीप वाला एपिसोड, जिसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से नायरा और कार्तिक शो का हिस्सा नहीं है यानी कि शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के फैंस को लगा है जोर का झटका, क्योंकि ये दोनों ही ऑन स्क्रीन अब एक साथ आपको नजर नहीं आने वाले हैं। हालांकि आपको बताएंगे, ऑन गोइंग ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कायरव ने अपने पापा कार्तिक को माफ कर दिया है, जिसे देखकर नायरा खुश भी है और इमोशनल भी है। दोनों बाप बेटे को एक दूसरे से गले लगता देख मूवी की पूरी फैमिली इमोशनल हो जाती है, लेकिन अभी आने वाले तूफान का अब तक किसी को आगाज नहीं लग पाया है। बताना चाहेंगे कि नायरा और कार्तिक की शो से एग्जिट होने वाली है, जहां पर शो में बेहद ही बड़ा लीप लिया जाएगा और उसके बाद नायरा और कार्तिक की नेक्स्ट जनरेशन यानी कि कायरव पर किया जाएगा पूरा फोकस। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है इसे, क्या सच में नायरा और कार्तिक के कैरेक्टर्स का दी एंड हो जाएगा, क्या शिवांगी जोशी मोहसिन खान शो में नजर नहीं आएंगे और क्या उनके ये फैंस शो में इन दोनों के बिना शो को उतना ही प्यार देंगे जितना वो अब तक देते हैं। शो में आगे क्या होता है जानने के लिए टेली अफेयर्स जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए टेली अफेयर्स को रीड भी जरूर करें।